दूसरा मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस भाई जरा हमारे बैठे कर दिया प्रस्ताव पे, थोड़ा इसे पर्सनल नहीं ले। इस कांग्रेस में एक समय थी, आज इस कांग्रेस से सब लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल के चले गए, आचार्य कृपलानी चले गए, मैं बता दूंगा, मैं बता रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मैं कोई गलत थोड़े कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, आपको भी कहूंगा फॉलो ऑन करें। देखिए, आचार्य कृपलानी छोड़ के चले गए, इसमें डीपी मिश्रा छोड़ के चले गए, परमानंद रेड्डी छोड़ के चले गए, शरद पवार छोड़ के चले गए, ममता बनर्जी छोड़ के चली गई। अभी मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ, हरियाणा में भी सुनते जाओ पंडित जी, आप हरियाणा में भी जो स्वाभिमानी आदमी थे कांग्रेस में नहीं रहे, चाहे चरण सिंह छोड़ के चले गए, चाहे देवीलाल छोड़ के गए, जो बंसीलाल छोड़ के गए, भजनलाल जी भी छोड़ के चले गए, जो जो कांग्रेस में मुख्यमंत्री सब बाहर आए, तो मैं तो छोड़ के आ गया ना आपसे कह रहा हूँ। अब आ गया, जब आ गया, जब आप चले जाएंगे तो आप भी चले गए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो छोड़ के आ गया ना, मेरी सुन लो पंडित जी, कांग्रेस छोड़ के आ गया, दोबारा कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, ये मैं आपसे कह, देखिए ऐसा सुन लो ना, मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कहूँ, चर्चिल जो थे ना जी, जब नॉन अलाइंड कंट्रीज इकट्ठे होके चर्चिल जर्मन के खिलाफ लड़ा था, तो जितने अलाइड फोर्सेस थी आर्मी के उसके लीडर थे, चुनाव के बाद बहुत पॉपुलर हो गए, तो इंग्लैंड के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया कि तुम चुनाव लड़ो, इतने पॉपुलर लीडर थे। जब वो सभा को एड्रेस कर रहे थे, तब जितने अलाइड फोर्सेज के जनरल थे वो भी वहीं बैठे थे। जो है राजनीति युद्ध से भी ज्यादा रोमांचकारी और खतरनाक होती है, युद्ध में तो आदमी एक बार मरता है, राजनीति में बार बार मरता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस राजनीति का इतना आसान खेल नहीं, ये कभी थी कांग्रेस, आज तो ये हालात बन गए कांग्रेस के, आज सुन लो ना, आज ये हालात बन गए कि राहुल गांधी को भी अखिलेश यादव के घर जाके समझौता करना पड़ा, बता दिया प्रदेश का बढ़िया काम सारे बता दिए, जिंदगी सीधे सुन रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये रखा इसमें कुछ नहीं, मोदी साहब इस वक्त स्टॉर्म पेट्रोल जो कहते हैं, एक वर्ड होता है, जब समुद्र में तूफान आता है तो पक्षी उड़ के आता है, उस पक्षी से अंदाजा ले लेते हैं जो मछुआरे कि अब समुद्र में तूफान आ रहे हैं, तो सब अपनी किश्तियों को और मछलियों को बचा के बाहर भाग लेते हैं। तो इस वक्त मोदी साहब जो है स्ट्रॉन्ग पेट्रोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, आप जरा संभल के देख के इस हालात से समझ जाओ और अपना शो करें। बीजेपी अब रहेगी, फिर आएगी, फिर आगे सरकार बनेगी, सेंटर में भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी, आपको पहले बता के जा रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद जय असीम गोयल जी। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।